आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी पनीर के पकौड़े बनाना बताती हूँ, कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में तो टेस्टी होते हैं और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। पनीर के पकौड़े बनाने के लिए ये हमने 1 कप बेसन लिया है, 250 ग्राम पनीर जिसे हमने लंबे पीस में काट लिया है, आप चाहे तो स्क्वायर पीस में भी काट सकते हैं। चलिए अब हम पकौड़ों का घोल बना लेते हैं। जो हमने बेसन लिया था वो हम इस बाउल में डाल देते हैं। पकौड़ों को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए कुछ हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये हमने आधी टीस्पून जीरा लिया है वो डाल देते, आधी टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे पकौड़ों में खुशबू अच्छी आएगी, 1 चुटकी हींग, इससे पकौड़ों में फ्लेवर अच्छा आता है और पकौड़े खाने में भी टेस्टी लगते हैं, आधी टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार, ये हमने 2 हरी मिर्च लिए वो डाल देते हैं, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है उसको ध्यान में रखते हुए आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमने 1 कप पानी लिया है, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर बनाएंगे। पानी को मिक्स कर देते हैं, पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते और पानी को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इस बैटर को जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला बनाना है। अब ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून करीब पानी और डाल देते, पानी को मिक्स कर देते। अब ये बैटर बिल्कुल ठीक है, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब हम बैटर को अच्छे से फेंट लेते हैं। हम बैटर को जितने अच्छे से फेंटेंगे पकौड़े उतने ही ज्यादा सॉफ्ट और फूले फूले बनके तैयार होंगे। 5 मिनट करीब हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है, अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये बैटर भी सेट हो गया है, अब हम इस बैटर को चेक कर लेते हैं। इसके लिए ये हमने 1 पनीर का पीस लिया है, अब हम इस पीस को इस बैटर में डाल देते हैं। देखिए बैटर पनीर में अच्छे से कोट हो रहा है, इसका मतलब बैटर बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छे से कोट नहीं हो रहा है, अगर आपको पतला लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है वो डाल देते, इससे पकौड़े और भी ज्यादा फूले फूले और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। हमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, उससे ही पकौड़े फूले फूले और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब बेकिंग पाउडर को हम मिक्स कर लेते और 2 से 3 मिनट करीब हम बैटर को दोबारा से फेंट लेते। हम बैटर को जितने अच्छे से फेंटेंगे उतने ही ज्यादा पकौड़े टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब ये बैटर फिट गया है और आप देख पा रहे हैं बैटर का कलर चेंज हो गया, बैटर हल्का भी हो गया है। चलिए अब पकौड़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, अब हम ऑयल को चेक कर लेते। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बैटर कढ़ाई में डाल देते। देखिए बैटर तुरंत ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये ऑयल गर्म हो गया है। हमने जो बैटर बनाया था उसमें हम थोड़े से पीस पनीर के डाल देते। अब हम पकौड़ों को इस तरीके से बैटर में डिप करते हुए कढ़ाई में डालेंगे। तो अब पकौड़ों को हम कढ़ाई में इस तरीके से डालते जाएंगे, आप देख पा रहे हैं पकौड़े फूलने लगे हैं। आप चाहे तो पकौड़ों को इस तरीके से स्पून से भी डाल सकते हैं। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। जब ये पकौड़े चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी पकौड़ों की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अब ये पकौड़े चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते। आप देख पा रहे पकौड़े कितने फूल गए हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते। देखिए कितने बढ़िया पकौड़े फ्राई हुए हैं।
इस तरीके से हम सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब ये सभी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया पनीर के पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। इन पकौड़ों के साथ ही हमने इन मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। आप इन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और आप चाहे तो इन्हें किसी गेस्ट के आने पर भी बना सकते हैं, उनको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपके पकोड़े कैसे बने। मुझे उम्मीद है कि आपके पकोड़े भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। अब मैं आपको पकौड़ों को पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बने। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे कितने सॉफ्ट और टेस्टी पनीर के पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। बने है ना कितने सॉफ्ट। आप इसे टमाटो केचप हरी चटनी आप किसी के साथ भी खाएं, ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगते हैं। देखिए देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।